मैडम आपने बुलाया हम लोगों को? हाँ जी मैंने बुलाया आप लोगों को। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी ना बहुत लॉस में चल रही है और आप दोनों हमारी कंपनी के सीनियर हो तो आपको इन्फॉर्म करना बनता है। तो पूरे 2 साल तक मैं आप लोगों को कोई हाइक नहीं दे पाऊंगी और ना ही कोई प्रमोशन कर पाऊंगी। तो अब आप लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, ये 50,000 आपके सामने रखे हैं, या तो ये 50,000 रुपये ले लो या फिर पूरे 2 साल तक मेरी कंपनी में बिना हाइक और बिना प्रमोशन के काम कर लो। तो आप लोग मुझे बता दो कि आप लोग क्या डिसाइड करोगे। मैम आप अचानक से इतनी बड़ी बात हम दोनों को बताओगे तो हम अपना डिसीजन कैसे बताएंगे? थोड़ा टाइम दीजिए, हम दोनों सोच के बताते हैं। मिस्टर सैम मैं आपकी बात को अच्छे से समझ रही हूँ, ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। अचानक से सडनली अपनी जॉब को चेंज कर देना बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से सोच लो समझ लो फिर अपना डिसीजन मुझे बता देना। ओके मैडम। यार सैम तूने क्या सोचा है? देख यार मैंने तो ये सोचा मैं 50,000 रुपये ले लूँगा और मैं ये कंपनी छोड़ दूँगा। यार तू मुझे खुद बता, 2 साल हम बिना किसी हाइक के बिना किसी प्रमोशन के कैसे रहेंगे यार? और यार हमें अपना घर परिवार भी तो देखना है। हाँ यार वैसे तू बोल तो सही रहा है, 2 साल है तो बहुत ज़्यादा टाइम, पर यार तू उस टाइम को सोचना जब कंपनी ने हमारी मदद की थी। यार कोविड के टाइम सब कंपनियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी, एक हमारी कंपनी थी जो टाइम टू टाइम हमें सैलरी दे रही थी। तो यार मुझे ऐसा लगता है ना कि आज हमारी कंपनी को हमारी ज़रूरत है ना तो हमें उसके साथ रहना चाहिए। आई अग्री, बट यार मुझसे नहीं होगा, मैं 50,000 रुपये ले लेता हूँ और तू यहाँ पर जॉब कर लेगा। ठीक है यार सैम, तुझे जो ठीक लग रहा है तू वो कर रहा है और जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, जैसी तेरी इच्छा। हाँ जी तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? मैम अरे बताओ क्या हुआ? एक्चुअली मैम मैं 50,000 रुपये लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैम मुझे अपना घर भी देखना है। मैम आप ही बताइए, कोई एम्प्लॉय 2 साल तक किसी कंपनी में बिना प्रमोशन के बिना किसी हाइक के कैसे काम कर सकता है? मैम आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, मैं ये कंपनी छोड़ देता हूँ। अच्छा कोई नहीं, ये लीजिए आपके 50,000 रुपये। कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है मैं निकल। और आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं कि आपने क्या डिसाइड किया। मैम मैं इसी कंपनी में रहूँगा और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बिना हाइक के 2 साल काम करूँगा। ओके सिट। हाँ जी तो आप एक बार फिर से सोच लो, बिना किसी प्रमोशन के बिना किसी हाइक के पूरे 2 साल तक इस कंपनी में काम कर लोगे? कोई बात नहीं मैडम। और मैडम मैं वो टाइम कैसे बोल सकता हूँ जब कोविड में बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय निकाल दिए थे लेकिन आपने हमारी सैलरी पूरे टाइम पे दी है। तो मैडम अभी आपकी कंपनी का भी बुरा टाइम चल रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस बुरे टाइम में हम आपके साथ रहें। आई एम इम्प्रेस एंड कंग्रेचुलेशन, आप इस टेस्ट में पास हो गए हो। टेस्ट? कैसा टेस्ट मैम? ये लो आप खुद ही देख लो। प्रमोशन लेटर? पर मैडम अभी तो आपने हम लोगों से बोला था कि 2 साल तक कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो फिर ये क्या है? मैं तुम्हें सीनियर मैनेजर बना रही हूँ, वो भी 30% हाइक के साथ। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि मेरी कंपनी में कौन से एम्प्लॉइज पैसे के लिए काम करते हैं और कौन से एम्प्लॉइज एक्चुअल में काम करना चाहते हैं। हमारी कंपनी के पास पूरे 200 करोड़ की डील आई है और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे, तो बस मैंने ये सोचा कि मैं इस प्रोजेक्ट में उन्हीं एम्प्लॉइज को शामिल करूँगी जो इसके लायक होंगे। क्योंकि मैंने चाहती थी कि मैं इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से जाने दूँ कुछ ऐसे एम्प्लॉय के चक्कर में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, क्योंकि मैं अपनी कंपनी का नाम भी खराब नहीं करना चाहती। तो बस इसलिए मैंने सबका लॉयल्टी टेस्ट लिया जिसमें तुम पास हो गए। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा। आई नो एंड बेस्ट ऑफ लक एंड यू कैन लिव।